हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू डायमोसाइंस अकेडमी मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ अमीनो एसिड्स ठीक है और यहां पर जो हम बेसिकली बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली तीन अमीनो एसिड्स की है जिसमें वेलिन ल्यूसिन एंड मिथ्योन बेसिकली हमारे नेचर में बीस यानी ट्वेंटी टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं और ये ट्वेंटी टाइप के अमीनो एसिड्स ही नेचर में इतने तरीके के प्रोटीन्स बना सकते हैं जिसमें से टेन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और टेन नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स को हम मानते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस अमीनो एसिड के असर को परफॉर्म करेंगे इससे पहले हम मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अमीनो एसिड हुआ विटामिनस हुआ ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे हमारे लिए अमीनो एसिड, विटामिनस ये सब बहुत बहुतियल असेंशल है सेम उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए भी अमीनो एसिड जो है वो बहुत असेंशियल होते हैं तो अगर मीडियम में हम इनके कंसंट्रेशन को यानी कि अगर हम मीडियम में ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं विटामिन है अमीनो एसिड्स हैं इनको हटा दें तो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेजम की ग्रोथ सप्रेस होगी या ये कह सकते हैं कि ग्रोथ होगी ही नहीं ठीक है और फिर जब हम धीरे धीरे उनको ग्रोथ फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे पर्टिकुलर ग्रोथ आ रही है तो यही इसका प्रिंसिपल है कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन पे कितना ग्रोथ एक्सटेंट हमें देखने को मिलेगा यहां पर हमने एक जो है बात कर ली जनरल अमीनो एसिड्स एसिक्स ग्रोथ फैक्टर्स विच आर असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं प्रिंसिपल क्या है इफ एनी असेंशियल अमीनो एसिड ए ए मीन्स अमीनो एसिड इज एब्सेंट इन द कल्चर मीडिया देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेल टू ग्रो ठीक है तो माइक्रो ऑर्गेजम क्या करेगा वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा सो द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द असी ऑफ अमीनो एसिड इज इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ ऑबटेन आफ्टर एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड ग्रोथ ठीक है तो हम ये चाह रहे हैं कि हम जब अमीनो एसिड भाई एक बार तो हमने वो फैक्टर हटा ही दिया है हमने वो अमीनो एसिड बिल्कुल हटा दिया है फिर धीरे धीरे अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं हम डाल रहे हैं तो कितना हमें ग्रोथ एक्सटेंट मिलेगा ठीक है तो ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ ऑप्टेंट आफ्टर द एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड फैक्टर तो हम जितना कंसंट्रेशन डाल रहे हैं उतना हमें ग्रोथ मिलेगा देखने को तो ग, ग, जो एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इसका प्रिंसिपल है ठीक है तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है कल्चर ऑफ टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्ड द अमीनो एसिड अमीनो एसिड फॉर ग्रोथ ठीक है अमीनो एसिड अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होता है यहां पर मैंने आपको लिस्ट बताई है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अमीनो एसिड इसमें माइक्रो ऑर्गेजम जैसे स्टेप्टोकोकस फेसिलस फेसिल फेलिस यह है आपका वैलिन और ल्यूसिन के लिए इस्चीरिया कोलाइन ल्यूसिन ग्लूटेमिक एसिड के लिए लैक्टोवेसिलस और दूसरे अमीनो एसिड्स के लिए सेवरल अमीनो एसिड्स के लिए रिक्वायर्ड होता है अब यहाँ पर हम ल्यूकोनोस्टोक मिसेंट्रॉइडिस जो है मिथियोनो और हिस्टिडिन और लाइसिन के लिए ज़रूरी होता है अब दूसरा जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो हम रिक्वायर्ड होता है जिसको हम बैक्टो अमीनो एसिड असे मीडियम भी कहते हैं बैक्टो अमीनो एसिड असे मीडियम इसके लिए पर्टिकुलर हमें रिक्वायर्ड होता है ठीक है अब यहाँ पे इन वो जो स्पेशल मीडियम होता है उसके अंदर सारे फैक्टर्स होते हैं एक्सेप्ट वो जो ग्रोथ फैक्टर जिसको हम डिटरमाइन करना चाहते हैं यानी कि अमीनो एसिड ठीक है इंक्लूडिंग ऑल असेंशियल न्यूट्रिय एक्सेप्ट द फैक्टर अंडर द टेस्ट यानी कि जिसको हम टेस्ट लगाना चाह रहे हैं वो फैक्टर उसमें से होगा। part, सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको बोलना चाहूंगी कि जो भी आपको ग्लासवेयर लग रहा है सबसे पहले स्टेलाइज करिए कंडीशन सारी एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए तभी जाके आपका परफॉर्म होगा सही तरीके से ठीक है चलिए हम बात करते हैं प्रोसीजर की

का एक पर एम एक बार मैं कंसनट्रेशन जो है इसमें एक बार वो देख लेती हूँ कि 200 माइक्रोग्राम का इसमें जनरली हाँ 200 माइक्रोग्राम का एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन जो है जनरली बनाया जाता है 200 माइक्रोग्राम पर एम एल कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन ये रहेगी उसकी ठीक है वो हम कंसंट्रेशन का प्रिपरेशन कर लेते हैं नाउ अब यहां पर जो कंसनट्रेशन है उसका ग्रेडेड अमाउंट हम लेते हैं इन अनादर सेट ऑफ टेस्टिव एट ग्रेडेड कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रिपरेशन तो जैसे हमने हमने जो है टेस्टिव्स ले ली हमने वही पांच टेस्ट हमने जो है टेन टेस्टिव्स बनाई हैं जिसमें से दो 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 के सेट बना लिए हैं अब यहाँ पर जो है हमने जो है ग्रेडेड अमाउंट जैसे आपका 0.1 0.2 0.3 जैसे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 ml इस तरीके से हम उसमें डालते जाएंगे और सेम अब उस तरीके से जैसे पांच कंसंट्रेशन हमने ली है ठीक है पांच हमने पांच हमने अमाउंट लिया है क्वांटिटी ली है लेकिन कंसनट्रेशन 200 माइक्रोग्राम पर एमएल है ये ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन और उसका जो एम है वो अलग अलग है पॉइंट वन एम एल पॉइंट टू एम एल थ्री एम एल फोर एम एल पॉइंट फाइव एम एल दिस हमने अमीनो एसिड ले लिए हैं और हमने सबके ट्रिप्लीकेट बनाए हैं प्रिपेयर ट्रिप्लीकेट ये ध्यान रखिएगा ट्रिप्लीकेट बनाए जाते हैं इसमें ठीक है यानी कि हर सेट की तीन तीन टेस्ट ट्यूब्स लेंगे हम उसमें ठीक है अब यहाँ पर सिमिलरलीस्ट्यूब कंटेनिंग ए सैम्पल हूज स्ट्रेंथ है हम जो अमीनो एसिड डाल रहे हैं जिसका हमें ये देखना है कि इस कंसेंट्रेशन पे इसकी इस माइक्रो ऑर्गिज्म की इतनी ग्रोथ हो जाती है ठीक है तो इससे हमको वो अनोन कंसेंट्रेशन है अमीनो एसिड की वो हमें डिटरमाइन करना है ना अब कर, क्या करना है एड टू एम एल ऑफ अमीनो एसिड असे मीडियम अमीनो एसिड असे मीडियम कौन सा है बैक टू अमीनो अम टू ऑल ट्यूब्स ठीक है तो हम सारी टेस्ट ट्यूब्स में से ये जो सारी ब्लैंक को छोड़ के इनमें हमने सारा क्या कर दिया मीडियम डाल दिया ठीक है देन ऑल ट्यूब्स आर ऑटोक्लेव अब उसको प्रॉपर कंडीशन पे ऑटोक्लेव कर देंगे अंडर स्टोर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन नाउ ये जो मैंने ये है ना ये मैं ब्लू कलर से बना देती हूँ तो आपको एकदम से दिख जाएगा ठीक है तो ये ये यहाँ पर ये और ये ये पे ये ये हो गया <coughs> इससे क्या होगा कि वो एकदम से विजिबल हो जाएगा नहीं तो सारा ब्लैक ब्लैक हो रहा है वो है ना अब हमने क्या करा है कि अब हमने टू एम एल अमीनो एसिड मीडियम डाल दिया देन ऑल ट्यूब्स आर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन सारी ट्यूब्स जो हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हमने ऑटोक्लेव कर दी हैं नाउ ताकि कोई दूसरा ग्रोथ हो तो वो रुक जाए ठीक है देन एड अप्रोप्रिएट टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोक्लेव करने से कोई दूसरा माइक्रोबिल ग्रोथ नहीं हो पाएगी ठीक है नाउ एड अप्रोप्रिएट टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब इसमें हम अप्रोप्रिएट टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें एड करते हैं जैसे स्टेप्टोकोकस फेसिल जो है इसका एटीसी एट जीरो फोर थ्री फॉर वैलिन एंड ल्यूसिन ल्यूकोनास्टिक मिजन टेर जो है एटीसी एट जीरो फोर टू फॉर मिथियोन ठीक है अब सारी टेस्ट ट्यूब्स में हम ऐड कर देंगे अभी में मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ हर टेस्ट ट्यूब के हम ट्रिप्लीकेट बनाएंगे ठीक है अब यहाँ पर जो है इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 14 डेज के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे सेवनटीन सॉरी सेवनटीन डेज के लिए शायद मैंने गलती से 14 बोल दिया 17 डेज तक के लिए इसको इंक्यूबेट करेंगे नाउ ऑप्टिकल डेंसिटी सेट करेंगे इस ब्लैंक की हेल्प से 600 माइक्रोमीटर पे ठीक है ऑप्टिकल डेंसिटी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम सेट कर लेंगे नाउ अब सभी टेस्ट ट्यूब्स की एवरेज हम जो है टेस्ट ट्यूब्स की ऑप्टिकल डेंसिटी यहां पर मेजर कर लेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी सो आर ऑप्टिकल्टेड फ्रॉम द ब्लैंक आर प्लॉटेड अब जो है जो ऑप्टिकल डेंसिटी आ रही है हमारी भाई ब्लैंक की जितनी आई 600 माइक्रोमीटर जो है ऑप्टिकल डेंसिटी ब्लैंक पे जो आई हमारी पहले 600 माइक्रोमीटर पे हमने सेट कर ली अब ब्लैंक की जो आई उसमें से हम हर टेस्ट ट्यूब की इसमें हम सबस्ट करेंगे नाउ ना को हम वाई एक्सिस पे जो है प्लॉट करेंगे नाउ अगेंस्ट द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कंसेंट्रेशन इन एक्स एक्सिस ठीक है तो ये जो है हमारा वाई एक्सिस पे और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस पे हम सेट करेंगे टू डेवलप ए स्टैंडर्ड कर्व ठीक है तो हमारे पास क्या क्या होगा यहाँ पे कि ये जो है हमारा ये आपका ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी को मैं ये ओडी से कर रही हूं ये हमारा एक्सिस पे अगेंस्ट द स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कंसेंट्रेशन इन एक्सिस, अमीनो एसिड कंसेंट्रेशन ठीक है अब यहाँ पर हम इसको एक स्टैंडर्ड कर्व इसमें हमारा डेवलप हो जाएगा नाउ द कंसेंट्रेशन ऑफ अ नोन सैंपल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा प्लोटेशन फ्रॉम प्लॉट कर्व अब यहाँ पर जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी जो भी हमारी किसकी आ रही है हमारे टेस्ट की हमने टेस्ट प्रिपरेशन भी करी है यहाँ पे यह हमने सैंपल वाली जो है इसको हम यहाँ से वही पहले हम उसको ब्लैंक से सब्रेक करेंगे देन फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर वाइक्स पर एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे और ये हमारा अननोन कंसनट्रेशन जो है ये आ जाएगा ठीक है सो अब हमें यह पता लगेगा कि हमारे इतने अमीनो एसिड की कंसेंट्रेशन पे हमारा माइक्रो ऑर्गिज्म इतना परसेंट ग्रोथ करता है ठीक है तो अगर हमें इससे ज्यादा ग्रोथ करानी है तो कितनी कंसेंट्रेशन चाहिए वो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछे अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू